ऑफिशियल भी हसीम भाई को फोन करूंगी कि मैंने उसको दे दिया है कूपन। किसको? गार्ड को। हाँ, डीमार्ट का कूपन। मैं गई तो मैंने देखा भीड़ नहीं थी, लोग आ रहे थे लेके जा रहे थे, तो मैंने उससे मांगा तो उसने मुझे 1:30 बजे का दो दिया। तो बाजू में उसका मैनेजर अंदर खड़ा हुआ था, मैंने बुलाया, मैं बोला सर देखिए मेरी जॉब है, आप मुझे 4 बजे 5 बजे का दे दीजिए ना, तो मैं फिर ऑफिस से आते हुए मैं ले लूंगी। तो मुझे बोलने लगे देखिए मैडम जो टाइमिंग का मिल रहा है ना वो टाइमिंग ले लीजिए, कल से लॉकडाउन होने वाला है, तो क्या पता डीमार्ट भी खुला रहेगा नहीं खुला रहेगा। लास्ट टाइम तो लॉकडाउन में खुला था, लेकिन 7 बजे शाम को बंद कराती है, सारा दिन खुला रहेगा, लेकिन ये सैटरडे संडे बंद था शायद। बोला सैटरडे संडे हमको बंद रखा, खुलने नहीं दिया। पार्किंग तो पूरा फ्री कर दिया हम लोगों के लिए, ऐसा पार्किंग रहे तो ज्यादा अच्छा है। मास्क पहन लिया जाए भाई, ऑफिस गुड़ी पड़वा है आज, लेकिन हम लोगों ने ऑफिस खोल दिया है। सब अपने मार्केटिंग में लगे हुए हैं, पीछे पान की दुकान में स्लाइडर वाइडर कोई ब्रांड है उसका फोटो लगा के क्लिक कर लिया दुकान खोल के, जबकि दुकान बंद है। मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट हो रहा है कंपनी के लिए, ऐसे स्टाफ चाहिए हर कंपनी में जो लॉकडाउन में भी दुकान खोल के फोटो क्लिक करके अपने सीनियर मैनेजर को भेजे और बोले सर मैं धंधा कर रहा हूँ लॉकडाउन में भी कंपनी के लिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है दो चीज, गुड़ी पड़वा तो है, हैप्पी गुड़ी पड़वा, फिर से दूसरा है डीमार्ट डे। तो डीमार्ट में तो मैं भी जा सकता हूँ क्या? एक आदमी दो कार है बस, तो मैं भी चलता हूँ फिर डीमार्ट में, मैं भी एक दोपहर में जाके थोड़ा बहुत सामान वामान, क्या पता कल लॉकडाउन हो जाए तो कुछ ले लेंगे। दूध भी आ गया है, दूध यूज कर ले क्या? कल उधर भी एक दूध रह गया था, देखूं जरा क्या दूध है कि नहीं है, बट दूध तो है नहीं। मतलब ये तो खोले थे ऑफिस, क्या नहीं खोले तो नहीं है, खोलते तो फूल दो दिन तक खुले रखा हुआ, नहीं खुला है दूध, लगता साफ सफाई वाले जो है ना लेके चले गए। काम साफ सफाई फिर वार्तालाप, अत्याचार हो रहा है सुबह सुबह मेरे ऊपर, अत्याचार हो रहा है, मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ के देवता कहाँ हो तुम? इंसाफ चाहिए, इंसाफ के देवता। एक तो ये मंत्र वंत्र है ये, अच्छा सॉरी मंत्र, ये जो मंत्र है बहुत अच्छा है, इसको पढ़ना चाहिए। मैंने बोला ना ब्लॉग में सब नहीं डालना है, समझ में नहीं आ रहा है। मंत्र कहाँ पढ़ रहा हूँ मैं? मुझे मंत्र बोल तो दिया ना। कहाँ मंत्र? अभी क्या बोला है? पूजा, मैं ये जो पूजा है जबरदस्ती पूजा कर रहा है। पढ़ो दो जल्द आ जाती नहीं, ये ऐसे नहीं हो जाता कि जबरदस्ती। ये भी थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं सब खोल के, क्या करेंगे वो आके जबरदस्ती बंद रहा। हम जो है ऑफिस में बैठ बैठ के चुपके से बाहर से दरवाजा लगा के काम कर रहे हैं, हम ही समझदार नहीं है, दुनिया समझदार। पोल खोलो, पोल पोल खोलो, अरे जब तक ब्लॉग आएगा तब तक तो लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, कोई नहीं देखता, तो क्या करेंगे, अभी अंदर बैठ के चुपचाप काम कर रहे हैं हम लोग। और अभी जब मैं आ रहा था तो मैडम थी बाहर, मैं लेट हो गया दरवाजा लगाने में, तो जिसमें दरवाजा लगा तो उसे एक स्टाफ निकल रहा था, वो घबरा गया कि आज तो रंगे हाथ पकड़ाया गया, आज तो फाइन लगेगी, लगता कोई इंस्पेक्टर आया चेक करने के लिए, बट ऐसा नहीं था, इसने स्माइल दे दिया तो वो समझ गया कि हमारे फ्लोर वाले ही कोई कलीग है, सेम प्रोसीजर में है, दरवाजा बंद और काम चालू। अभी जो दोपहर के 1:04 हुआ है और 1:30 बजे का हमारा अपॉइंटमेंट है, और वो किससे है? डीमार्ट से है। तो डीमार्ट से हर बार लॉकडाउन में अपॉइंटमेंट होता था, टोकन नंबर लेते थे, 1:30 बजे का टोकन नंबर मिला है, क्योंकि कल से शायद कल या परसों जब भी हो, मुझे सुनने में आ रहा है कि हो सकता है लॉकडाउन हो जाए बॉम्बे में, हो जाए तो मैगी वैगी तो रहना चाहिए ना पास में खाने पीने के लिए। भाई टोकन नंबर है फिर भी इतनी भीड़ है बाइक्स की भीड़ है इधर, बाप रे बाप, टोकन नंबर के बाद क्यों भीड़ है इतनी भाई, 1:30 बजे का टाइम है, भीड़ देख लीजिए। अरे भाई इतनी भीड़ है साला सामान लेने के लिए अंदर। मास्क प्रोटेक्शन इज इम्पोर्टेंट, और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ये गाड़ी फुल, आज गाड़ी का फायदा उठाया जाएगा। ये लो भाई ट्रॉली ले जाओ, पसीना पसीना हो गया, पसीना देखिए। हाँ फाइनली अब बैक टू ऑफिस। डीमार्ट भाई थैंक्स, थैंक्स अलॉट, नंबरिंग करने का सिस्टम, जिससे फ़ायदा डेफिनेटली होता है, भीड़ कम होती है और काउंटर खाली रहता है, इमीडिएट होता है सारा कुछ, वो अलग बात है, पसीना निकल जाता है गर्मी है उसकी वजह से। सामान मान लिया, पैक कर दिया, तो अब होपफुली
15-20 दिन एक महीने के लिए अगर लॉकडाउन भी होता है तो झेल जाएंगे, झेल जाएंगे। तो चलिए, और गर्मी है, पसीना पसीना देख रहे हैं, नमकीन पसीना, हालांकि पसीना नमकीन ही होता है। खेलने के टाइम पे बहुत चाटा करते थे हम लोग, पसीना, क्रिकेट खेलते थे ना बचपन में, हाँ हाँ हाँ, पसीना जो गिरता था, क्रिकेट क्रिकेट खेलने में कमी नहीं होती थी, पसीना गिरे ना गिरे, जो चलना चले, क्रिकेट तो क्रिकेट। फिलहाल तो गाड़ी चला देते हैं फटाफट, गाना सुनते हुए बजाते रहो, ना ना ये गाना ये भी अच्छा नहीं है। चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अब ये 550 का है, 100 मतलब एक है 5 रुपए का, 5.5 रुपए का। अब इसके साथ दो मिली है, मतलब एक हो गया 2.5 रुपए के आसपास। ऐसे लगा ऐसे खींच लीजिए, ऐसे इतने में खींचिए, थोड़ा सा भी रहता है तो नहीं होता है। किसका गिरा साला, मैं बाहर से आ रहा हूँ, गिर तुम्हारे पॉकेट से रहा, क्या विचार है, देना है क्या कुछ? खाली पर गिरेगा भाई। चलिए सर, लिफ्ट भी आज आके रखी हुई है, मतलब साला कोई डिमांड नहीं है। एक टाइम का 6 बजे मारा मारी होता था, अंतराक्ष तो लगता है बंद ही कर दिया। अरे नहीं, अंदर सब है, सब अंदर, सब अंदर काम कर रहे हैं, हाँ सब खपचे में है। आ जा भाई, पतला आदमी आ जाएगा। चलो भाई बसो, बैठो भाई, ठीक है भाई, ठीक है, एक हाथ ध्यान देखे।